अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने लोक निर्माण अतिथि गृह में महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को सुनने के दौरान मीडिया के समक्ष लड़कियों को लेकर विवादित बयान दिया। समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी, अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं, मोबाइल को भी देखना होगा। लगातार लड़कियों के साथ हो रही घटनाओं का जिम्मेदार लड़कियों को मोबाइल पर बात करना और लड़कियों की माँओं और परिवार को ठहरा दिया है। मीना कुमारी ने अपने बयान में कहा कि समाज में ये है कि इस तरह के केस कभी नहीं रुक रहे, हम लोगों के साथ साथ समाज के लोगों को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी, अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा ये कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं, उनके मोबाइल को भी देखना होगा। मैं सबको ये बोलती हूँ कि लड़कियाँ मोबाइल से घंटों बात करती रहती हैं। मैटर यहाँ तक पहुँच जाता है कि जिससे बात कर रही हैं उसके साथ भाग जाती हैं। अभी एक मैटर मेरे पास आया है, वो वाल्मीकि की लड़की है और जाटव का लड़का है। उन्होंने कहा कि मेरी ससुराल पड़ती है बालमपुर प्राइम को, कल यहाँ से लोग मेरे पास आए, जब लड़की लड़के पर ज्यादा सख्ती की गई तो उन्होंने शादी करके अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी। अब गांव के लोग पंचायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उन्हें घर में घुसने नहीं देंगे। मेरी अपील है कि घर वाले अपनी बेटियों को मोबाइल ना दें, अगर दे रहे हैं तो उस पर पूरी निगाह रखें। सबसे पहले उन माओं को कहती हूँ जो वो अपनी बेटियों का ध्यान रखें, ये सब माँ की लापरवाही की वजह से हो रहा है। नहीं, वो तो है, सख्ती तो खूब हो रही है। अब समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे, ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी, अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं, मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेकर भाग जाती हैं शादी के लिए। अभी एक मैटर है, कल मेरे पास आया है, वाल्मीकि की लड़की है और जाटव का लड़का है और बालमपुर है, बालमपुर प्रेमपुर उसमें कुछ नहीं है, मेरी ससुराल है वो। और कल लोग मेरे पास आए और उन पर ज़्यादा सख्ती हुई तो उन्होंने फ़ोटो डाल दिए, उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। अब गांव के लोग इतना वो हो रहे हैं कि पंचायत करके कहते हैं आमने सामने घर है, हम उसे घुसने नहीं देंगे। तो क्या आप अपील करेंगी कि कम उम्र के बच्चियों को मोबाइल ना दें घर वाले? हाँ, मैं अपील करूंगी घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें, ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। अलीगढ़ से खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट।